आज मैं होल चिकन बना रही हूँ, इसके लिए मैंने ये होल चिकन पे अच्छी तरह कट्स लगा ली हैं आगे पीछे सारे। और अब इसके ऊपर मैं सबसे पहले सिरका लगा के वाइट विनेगर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, 3-4 टेबलस्पून हर तरफ अच्छी तरह लगा दूँगी और फिर छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इस पे शान का टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। ये वाइट विनेगर लगाए हुए मुझे 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये शान का मसाला लगा रही हूँ। हाथों की मदद से अच्छी तरह लगा देंगे, कट्स के अंदर भी अच्छी तरह इस तरह अच्छी तरह लगाएंगे। ये मैंने बहुत अच्छी तरह इसमें लगा दिया, सब कट्स में भी अच्छी तरह लगा दिया। ये शान का मसाला जो है ये रेडीमेड है, इसमें पहले से हर चीज़ मिली भी है और लिक्विड है ये, इसको मैंने अच्छी तरह इस पर लगा दिया। अब इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब इसको मैं ओवर नाइट रखूँगी और कल बनाऊँगी। ये ओवर नाइट बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है, अब मैं इसको इंस्टेंट पॉट में थोड़ी देर के लिए रखूँगी। इंस्टेंट पॉट में मैंने 1 ग्लास पानी डाला है और ये इस तरह से स्टैंड रख दिया है, और अब मैं इसे फॉइल में रख के बंद करूँगी और इसमें रखूँगी। ये मैंने फॉइल बंद करके इसमें इंस्टेंट पॉट में इसको रख दिया है, अब मैं इसको इंस्टेंट पॉट को बंद करूँगी। अब मैं इसको 10 मिनट प्रेशर कुक करूंगी। बिरयानी के लिए मैंने ये अबाउट 6 कप्स चावल लिए हैं, इनको धो के और सोक कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास ये ज़ीरा है 1 टीस्पून, 3-4 मैंने तेज़पात लिए हैं, 3-4 हरी मिर्चें लिए हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 बड़ी सी मैंने सिनेमन स्टिक ली है, 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 3-4 मैंने ये लौंगे ली हैं। और इसके अलावा मैं नमक यूज़ करूँगी हल्केदार। ये मैंने एक पॉट में पानी लिया है और उसमें ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ और नमक डालूँगी, इसे बॉयल करूँगी, जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। ये मैंने चरखा निकाल लिया है, ये 90% डन हो गया है, इसके बाद मैं अब इसको एयर फ्राई करूँगी। इसमें कुछ सॉस मेरे पास बच गई थी, वो मैं इसके ऊपर से दोबारा डाल रही हूँ और फिर इसको एयर फ्रायर में रखती हूँ। ये मैंने एयर फ्रायर में रख दिया है और अब इसको मैं 10 मिनट के लिए एयर फ्राई करूँगी। बिरयानी के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, उसमें मैं ये 4 प्याज मैंने अनियन स्लाइस कर ली है, उसी तरह मैंने 4 टमाटर स्लाइस कर लिए हैं। सबसे पहले मैं अनियन को फ्राई करूंगी, इसके अलावा मैं दही यूज़ करूंगी अबाउट 3/4 कप to 1/2 कप जितना आप चाहें, और आधा मैं ये शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ करूंगी। इसके अलावा आप टेस्ट कर सकते हैं, नमक मिर्च अपने लिहाज से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें। आलू मैंने 1/2 बॉईल करके रख लिए हैं, 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको पलट दिया और थोड़ा सा ऊपर से और मसाला लगाया है। अब मैं इसको दोबारा 10 मिनट के लिए दूसरी तरफ से एयर फ्राई करूँगी। ये प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें ये थोड़े से आलू बुखारे डाल रही हूँ और इसके अलावा लहसुन अदरक डालूँगी 2 टेबलस्पून। फिर मैंने इसके साथ इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं, थोड़े से टमाटर मैं कच्चे डालूँगी, बाकी मैंने इसमें डाल दिए ज़्यादा टमाटर, इसे भून रही हूँ। और साथ ही इसमें मैं अब ये शान का 1/2 पैकेट बिरयानी मसाला भी डाल दूँगी। इसके इससे इसमें दही भी डाल दें, बस अब चाहें तो इसको 0 मिनट का प्रेशर दे दें ताकि सब मिक्स हो जाए। ये
ये चावल मेरे 80% गल गए थे, इसको मैंने इस तरह से छन्नी में ड्रेन कर लिया है और आधे चावल मैंने इस तरह से ट्रे में डाल लिए हैं और उसके ऊपर से आलू, थोड़े से टमाटर और ये हरा धनिया पुदीना छिड़क दिया है। अब हमारा मसाला हो जाए तो इस पर डालूँगी और बाकी चावल डालूँगी। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको देखें ऑयल अच्छी तरह से छोड़ दिया है। अब मैं इसको उसके ऊपर चावल के ऊपर पोर करूँगी। ये मैंने मसाले को इस पर पोर कर दिया है, अब मैं बाकी चावल इस पर डालूँगी। ये मैंने ऊपर से कलर भी डाल दिया है और अब मैं इसको बंद करूँगी और ओवन में रखूँगी। ये मैंने रख दिया है आधे घंटे के लिए, इसको दम के लिए दम देंगे। और मैंने टेम्परेचर रखा है 180 डिग्री, या अगर आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में चेंज है तो आप 380 डिग्री भी रख सकते हैं। ये मैंने बिरयानी को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, ऊपर नीचे कर लिया है और बीच में ये चरखा रख दिया है। अब मैं इसको दोबारा बंद करके दम पे ही रख दूँगी, वार्म पे रख दूँगी ताकि जब सर्व करना हो तो बिल्कुल गरम गरम सर्व करें। बहुत मज़ेदार बनी है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।